हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक मल्टी मिलीनियर शेयर बताऊंगा। ये कंपनी फ्रेंड बजाज फाइनेंस को टक्कर दे सकता है। रिटर्न देने में ये कंपनी बजाज फाइनेंस को पीछे भी छोड़ सकता है। जीरो डेट फ्री कंपनी है। आप लोग अगर अरबपति करोड़पति बनना चाहते हो तो अभी से ही इस कंपनी में पैसा लगा के रखो। बहुत बड़ी ग्रुप ही कंपनी है। आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं इसका हाफ ईयरली रिजल्ट देख लेता हूँ। और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक और उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता करें, कंपनी के धंधे के बारे में पता करें। अगर वह उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, उनकी प्रोडक्ट अच्छी है, उनकी सर्विसेस अच्छी है, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। और भैया, जब कोई कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही भाई लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। आप लोग अपने पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल के आधार पे किसी स्टॉक को जगह दो, वरना आप लंबे समय तक पैसा नहीं बना पाओगे। तो देखो भाई, नेट सेल टर्नओवर मार्च 18 में था वो 939.32 था। मार्च 18 में 939.32 था और मार्च 19 में देख लो 963.59 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है। हाफ ईयरली 939 से 963 हो चुका है भाई। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 18 में जो टोटल इनकम था वो 992.63 था मार्च 18 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 1080.39 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है। हाफ ईयरली 992 से 1080 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 18 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 520.05 था मार्च 18 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 673.23 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हाफ ईयरली 520 से 673 हो चुका है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 18 में जो एबिटा था वो 573.36 था मार्च 18 में, और मार्च 19 में देख लो 790.03 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है, 573 से 790 हो चुका है भाई। तो मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस को देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 18 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 377.24 है मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 519.43 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है। हाफ ईयरली 377 से 519 हो चुका है भाई। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 18 में जो पैट था वो 377.24 था, और मार्च 19 में देख लो 519.43 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका हाफ रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख लेता हूँ। पहले आप हाफ रिजल्ट देख रहे थे भाई, तो देखो नेट सेल्स मार्च 15 में था वो 1022.44 था मार्च 15 में 1022.44 था, और मार्च 19 में देख लो 1915.18 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है ईयर टू ईयर वाइज 1022 से 1915 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है, पॉजिटिव बात होती है भाई। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 15 में जो टोटल इनकम था वो 1064.28 था मार्च 15 में 1064.28 था, और मार्च 19 में देख लो 2096.78 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है ईयर टू ईयर वाइज 1064 से 2096 हो चुका है, और ये भी
किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 590.90 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 1205.95 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर टू ईयर वाइज, 590 से 1205 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एबिटा था वो 632.74 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 1387.55 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है ईयर टू ईयर वाइज, 632 से 1387 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीफ करूं फ्रेंड वो कम ही होगा, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस में देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 415.50 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 930.60 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है ईयर टू ईयर वाइज, 415 से 930 हो चुका है भाई। रिपोर्टेड पैट देख लो, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो पैट था वो 415.50 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 930.60 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग इस कंपनी में पैसा लगाएं। ये ऐसी कंपनी है फ्रेंड जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी लाइफ स्टाइल बदल सकती है, तो खरीदिए। HDFC AMC का और मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। ये जो कंपनी है भाई वो HDFC ग्रुप की कंपनी है, AMC का बिजनेस है, म्यूचुअल फंड का बिजनेस है। आप जो म्यूचुअल फंड में जो पैसे जो लगाते हो उसे ये कंपनी शेयर बाजार में लगा देती है, गोल्ड में लगा देती है, डेट फंड में लगा देती है, आप भाई जैसा बोलते हो वैसा ये कंपनी करती है। और भैया ये जो कंपनी है वो पूरे ग्रुप का भी पैसा मैनेज करती है, और भैया HDFC AMC को ग्रुप से भी फायदा मिलता होगा। इस ग्रुप में जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉय हैं वो तो चाहेंगे भाई कि मैं HDFC म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड ये एक बढ़िया कंपनी है, पैसा लगाते जाइए, आपका पैसा बनता ही रहेगा। मैं पहले भी इस कंपनी पे कई बार वीडियो बना चुका हूँ क्योंकि मुझे एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक लगता है। तो आप लोग भी दिल खोल के पैसा लगाते रहिए, आपका पैसा बनता ही जाएगा। HDFC AMC अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भैया यहाँ पे 10 साल का रिटर्न नहीं शो करेगा, 3 साल का रिटर्न नहीं शो करेगा, क्योंकि इस कंपनी का जो IPO आया था वो जुलाई 2018 में आया था, 1100 रुपये के प्राइस पे आया था भाई, धमाकेदार लिस्टिंग हुई थी। तो देखो ये कंपनी 1 ईयर में कितना रिटर्न बना के दिया है, तो देखो 1 ईयर में रिटर्न है वो 57.71% है, सेंसेक्स का रिटर्न है -3.14% है। आपको भाई मैं कुछ बताना चाहता हूँ, HDFC AMC का जब IPO आया था तो बहुत लोग बोल रहे थे कि बहुत महंगा स्टॉक है, मैं तो भाई लगातार इस कंपनी में वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि महंगा तो है भाई, वैल्यूएशन भाई तो बहुत महंगा है, लेकिन भाई आप क्वालिटी भी तो देखो ना, बिजनेस को देखो, बिजनेस को प्रेडिक्ट करो तभी जाके आप पैसा बना सकते हो। फाइनेंशियल देखो, आप लोग अगर सिर्फ वैल्यूएशन ही देखेंगे तो कभी भी क्वालिटी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह नहीं दे पाएंगे। तो क्वालिटी कंपनी है खरीदिए, आंख बंद करके खरीद लेंगे तो भी आपका पैसा बन जाएगा, किसी भी प्राइस में खरीद लेंगे तो भैया आपका पैसा बन जाएगा। आप अगर सोचें कि महंगा स्टॉक है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जो खरीदना है वो खरीदिए। ईयर टू डेट में देख लो भाई, ईयर टू डेट रिटर्न है वो 74.59% है, सेंसेक्स का रिटर्न है 2.96% है। तो भैया ये कंपनी 2019 में अब तक 74% रिटर्न बना के दे चुका है। मंथ में देख लो, 1 मंथ में 18.23% आने, सेंसेक्स का रिटर्न है -1.19% आने। 1 वीक में देख लो भाई, 1 वीक में 3.03% आने, सेंसेक्स का रिटर्न है -0.53% आने। 1 डे में देख लो भाई, 1 डे में 0.96% आने, सेंसेक्स का रिटर्न है 0.42% आने।
तो भैया आप लोग HDFC AMC को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, 2275 के आसपास ये स्टॉक आता है भाई, तो आप लोग खरीद के रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। HDFC AMC का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ भाई। तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 82.71% होल्डिंग है, FIS का जो होल्डिंग है HDFC AMC में वो 4.73% होल्डिंग है। आने वाले समय में इस कंपनी में FIS की होल्डिंग और भी इंक्रीज हो सकती है। म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है HDFC AMC में 0.92% होल्डिंग है। अदर डेयर पर जो होल्डिंग है HDFC AMC में 1.35% होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है HDFC AMC में 10.29% होल्डिंग है। कोई भी शेयर HDFC AMC का प्लेज नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है भाई। HDFC AMC का मार्केट कैप देख लो भाई, 55,518। तो भैया 55,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, लगातार भाई इस कंपनी का मार्केट कैप बढ़ रहा है। बुक वैल्यू जो है HDFC AMC का वो 144.43 का बुक वैल्यू है। ROC लेटेस्ट देख लो भाई, बहुत ही जबरदस्त है। HDFC AMC का 51.64 का ROC लेटेस्ट है। ROE देख लो 34.96% का। स्टॉक का जो भाई पी है वो 54.58 का पी है, 52 भी हाई है। HDFC AMC का वो 2,699 रुपया, 52 वीक लो है 1,248.30। डिविडेंड यील्ड फ्रेंड बहुत ही बढ़िया है, HDFC AMC का 0.92% का डिविडेंड यील्ड है। HDFC AMC का भाई सेल्स ग्रोथ देख लो, 3 ईयर का 11.67% का है, जो कि भाई इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया है, इसका टॉप पे है, नंबर वन पे है। तो भैया आप लोग HDFC AMC को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है भाई, जीरो डेट फ्री कंपनी है, पैसा भाई इसमें बनता ही रहेगा। आप अगर करोड़पति अरबपति बनना चाहते हो 20-30 साल में, तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगा के रखिए। और भैया इस समय अगर आप पैसा नहीं लगाते हो तो बहुत पछताओगे, क्योंकि ये कंपनी आने वाले 20-30 सालों में कई गुना रिटर्न बना के देगा, तो खरीदिए। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस, बेल बटन प्रेस नहीं करो भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाएं, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।